सर वही है, बिकॉज व्हेन इवन आई एम राइटिंग आई एम एक्चुअली टॉकिंग यू नो थिंकिंग ऑन 12, 14, 16, समटाइम्स मल्टी लेयर्ड लेवल्स, नॉट जस्ट बिकॉज आई हैव टू राइट एंड जस्ट वॉक अवे एंड पीपल विल रीड व्हाट आई हैव रिटन। एक बार जो मैंने लिख लिया उसको फिर 80 कैरेक्टर्स ने जीना है, दे हैव टू थिंक द वे आई हैव रिटन, इनेक्ट द वे, bring voice, bring the linguistic characters. If I have written ki ek langda hai wo chal ke aa raha hai, somebody has to be that langda na. If I have written ki scar faced hai, sabse pehle to subah my prosthetic and my makeup team will come, will create that scar the whole day, because that actor can't walk home with that evil scar every day. Wo aake scar banega. And the beauty of RFE Unplugged is again yet ki we have, it hasn't made it very strong but chal rahe coffee strong nahi sir. बातें हमारी स्ट्रॉन्ग होने वाली। यू आर वॉचिंग RFE Unplugged ऑन रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट, ब्रॉट टू यू बाय पिनाका मीडिया वर्क्स, पावर्ड बाय अरोमा मस्क एलिस्टोस। नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है आज के एक बहुत ही अच्छे और मैं कहूंगा RFE Unplugged के अब तक के पूरे सफर में सबसे ऐतिहासिक एपिसोड, और एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति से हम मिलने जा रहे हैं आज, और मैं आप सब लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। और बहुत लोग जो चंडीगढ़ ट्राई सिटी मोहाली पंचकुला एरिया में रहते हैं वो सब लोग सर को जानते ही जानते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में और पूरे विदेशों में जो भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सब लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा विवेक अत्रे सर से। सर इज अ फॉर्मर IAS एंड ही इज अ ऑथर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ही हैज वर्कड फॉर मेनी ईयर्स विद द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द हरियाणा गवर्नमेंट। ही इज एन ऑथर ऑफ 3 बुक्स, और अभी हमने ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लिया सर से सर की 4th बुक और 5th बुक ऑन द वे हैं। सर से मैं सुबह से फोन ट्राई करता हूँ रात तक, तो हो सकता है सेम डे फोन उठ जाए मेरा, हो सकता है अगले दिन उठ जाए, बट सर कभी क्रिकेट टूर्नामेंट में होते हैं, सर कभी शहर के जितने भी बड़े आलिशान इवेंट्स होते हैं सर कभी वहां मिल जाते हैं, बट सर अब मुझे ऑफिस से ज्यादा बाहर इवेंट्स पे मिलते हैं। सर हाउ इज लाइफ आफ्टर द गवर्नमेंट? लाइफ अच्छी है, आपके शो पे आ रहे हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट एंड RFE टीवी एंड RFE Unplugged, ये चीजें मुझे अब पता चल रही है हाउ इम्पोर्टेंट दे आर। So I guess life after government is better than what it was in the government. Yeah. Looking up, always looking up. Sir, how do you feel? आप इतने लोगों से मिलते हो and they all just run up to you, because I have seen at every event, every public event, they just come, they meet you, they get clicked, and how is the feeling now? मतलब पहले तो I've seen पहले के मैं सर से जब मैं I was a part of the system as well and sir was part of the system as well, तो I know him during that time also and now know him now as well. So sir, अब कैसा है? अच्छा है, और भी अच्छा है। मुझे याद है एक बार हम प्रेस क्लब में थे जी, मैं एक बुक लॉन्च में था और आपका एक इवेंट हो रहा था दूसरे हॉल में जी, तो आपका एक मैसेज आया कि सर वहां से फ्री होके हमारे पास आ जाओ, तो मैं आ गया आपके पास जी, और हमने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया मुझे याद जी, है। जी। तो लाइफ इज एक्टिव एनर्जेटिक, बहुत कुछ हो रहा है वर्ल्ड में, हम लोग उसमें शामिल है। मेन आइडिया इज कि पॉजिटिविटी जी, मोटिवेशन, चीयरफुलनेस हमें स्प्रेड करनी है, वही आप कर रहे हो वही जी जी। सर के साथ मैं बैठा हूँ और पिछले 5 सालों में जब भी हमारी इंटरेक्शन हुई है तब हमने डिस्कस किया है राइटिंग के ऊपर, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। सर इस पूरे ट्राई सिटी रीजन में क्रिकेट और बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ स्पोर्ट को भी बहुत इंकरेज कर रहे हैं, दे आर होल्डिंग क्रिकेट टूर्नामेंट्स वेरी रेगुलरली, प्रमोटिंग वीमेन इन क्रिकेट एंड बाकी मेन्स टीम तो रेगुलरली खेल ही रही है, बट अब जो नया दौर है उसमें हम विमेन को बहुत इंकरेज कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, प्लस सर बुक्स लिख रहे हैं। सर इज पार्ट ऑफ सो मेनी फोरम्स, चाहे मैं सर को CII में मिलूँ, नाउ सर इज कम अप विद द वाइब्रेंट नेटवर्किंग फोरम एज वेल। तो सर मैं वही अब सब लोग मुझसे पूछते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतना वक्त आप कैसे निकाल रहे हो? और फिर सर ने मुझे उस दिन एक बात और कही, मुझे बड़ी क्लियरली पूछी, जस्ट यू लुक्ड वर्कड आउट, डू यू मेडिटेट? मैं सर की तरफ देख रहा हूँ, मैंने कहा टाइम तो आपके पास भी नहीं है तो मुझे बताओ और लोगों को बताओ सर, हाउ डू वी मैनेज ऑल दिस? ये 4-5 मिनट का आंसर होगा ये वाला, बिल्कुल देना है, मैं कॉफी पी लूंगा उतनी देर में, तब तक कॉफी पियो। हुआ क्या कि ओवर द इयर्स आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग अ डिफरेंट साइड ऑफ माय सेल्फ जी,
ऑफिस में बैठ के, डीसी भी थे, डायरेक्टर भी थे, डायरेक्टर आईटी भी थे जी, लोग आते थे, मिलते थे, कॉन्वर्सेशन हमेशा अच्छी होती थी, जैसे अभी हो रही है हमारी जी, कॉफी भी होती थी और बात में कुछ बात निकलती थी, दोस्तियां बनती थी. हुआ क्या, आई रियलाइज दैट आई हैव दिस कॉन्वर्सेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल जी. फिर स्टेज पे जाके चीफ गेस्ट के तौर पे स्पीच देनी पड़ती थी जी सर. तो जब ये होता रहा, लोग जैसे आपने कहा आके मिलने लगे, फिर लगा कि कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, तो मुझे लगा मैं जो सर्विस में अब कर रहा हूँ आई नीड टू डू अदर थिंग्स. टूर्नामेंट हम पहले ही कर रहे थे जिसका आपने जिक्र किया, जेपी यात्री टूर्नामेंट 26 times मेंस क्रिकेट एंड वेरी टॉप प्लेयर्स हैव प्लेड जी. अब जैसे आपने कहा वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट हमने मदर की मेमोरी में शुरू किया है, दैट ऑल्सो इज डूइंग वेल, फोर्थ टाइम हमने किया है. वुमेन्स क्रिकेट इज गोइंग टू पिक अप. एक प्ले राइट फाउंडेशन हमने बनाया जी, चित्रंजन अग्रवाल हमारे दोस्त है उनके साथ, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू मैनेज यंग स्पोर्ट्स पीपल हु डोंट नो द वे फॉरवर्ड जी. और हम इवेंट्स भी करा रहे हैं, कॉन्वर्सेशंस भी करा रहे हैं और उनके लिए पैनल्स भी करा रहे हैं, गाइडेंस भी उन स्पोर्ट्समैन के लिए जी. सरदार बलबीर सिंह सीनियर बिफोर ही पास्ड अवे जी, ही टू केम टू आवर इवेंट जी. सच अ प्रेस्टिजियस थिंग. तो मैंने सोचा कि ये जो पॉजिटिविटी है, मोटिवेशन है, इसकी जरूरत है सोसाइटी को. व्हाट हैपेंड इज दैट यंगस्टर्स आर अंडर इमेंस प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन. पेरेंट्स बोलते हैं IIT में आओ, IAS में आओ, IIM में आओ, ये सारे आईज जो है ना ये बड़े मुश्किल हैं, हर एक आदमी नहीं आ सकता. कितने लोग इंडियन क्रिकेट टीम में आएंगे, वो भी आए हैं. तो हाउ डज एवरीबडी बिकम टॉप नॉच, नॉट पॉसिबल. तो मेरा ये काम है उनको बताना कि जिंदगी अच्छी ही रहेगी, थोड़ा सा आप अपने आप को बैक करो, सपोर्ट करो, अंदर से स्ट्रांग रहो, विन द बैटल ऑफ द माइंड. सो आई बिकेम अ मोटिवेटर एंड एन एडवाइजर एंड अ काउंसलर एंड मेंटर. तो मैं अब ये काम करता हूं. और आपने कहा इतनी चीजें कैसे करते हो और मेडिटेट कैसे करते हो, तो उसका क्या है, प्रायोरिटाइजेशन. अगर मैं दोस्तों के साथ गप्पे मारने में 2.5 घंटे बैठ जाऊंगा तो मैं अपनी किताबें कब पढ़ूंगा, मेडिटेट कब करूंगा. तो दोस्तों के साथ आधा पौना घंटा गपशप हो गई, उसके बाद अपनी चीज में आ गए. सो बेसिकली आई लीव बिफोर द थिंग इज ओवर, सेव टाइम रादर देन वेस्ट टाइम. एंड देन मेडिटेशन हेल्प्स मी टू स्टे एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे. सुबह मेडिटेशन कर ली, रात को कर ली, तो आपके 2 बार ही तो आप चार्ज हो गए ना. तो रात को सोने से पहले मेडिटेशन से क्या होता है, आपकी पीसफुल स्लीप. इफ यू आर पीसफुल स्लीप, नेक्स्ट डे यू आर एनीवे एनर्जेटिक. एनर्जी के अलावा उसकी बिगर पिक्चर भी है विच वी विल टॉक अबाउट, स्पिरिचुअलिटी भी. एब्सोल्युटली. तो प्रायोरिटाइजेशन एंड देन डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी. अब 5-6 चीजें मैं कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में सारे, दैट इज द आंसर. मैं सर को बता रहा था उस दिन हम बैठे बात कर रहे थे, वो ये था कि मैंने कहा सर लोग लिखते हैं कि दीज आर माई क्वालिफिकेशन, दिस इज माई वर्क एक्सपीरियंस एंड दिस इज माई हॉबी. मैंने कहा मेरी तीनों ही तो एक ही है. मेरे को 3 कॉलम बनाने नहीं पड़ते. तो आई जस्ट वंडर्ड कि लोगों का कभी कभी सर दिल कहीं और होता है, दिमाग कहीं और होता है और मजबूरियां उन्हें कहीं लाइफ में और लेके चली जाती हैं. तो वॉट इज योर थॉट ऑन यू नो लिविंग वन्स ओन ड्रीम. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी. Einstein, I think, said, if you love your work, you don't have to work a single day. आप जो कर रहे हैं अपना passion follow कर रहे हैं, वो आपका काम भी है, nothing like it. अब सचिन तेंदुलकर loved cricket, he became India's greatest player because he loved cricket and he became a great cricketer. उसको काम तो नहीं करना पड़ा ना. So, if I am loving my motivational speaking, I don't have to work a single day. And I'm getting, you know, famous because whatever because of that. You are making beautiful films, award-winning films. Your passion is there, which means that you don't. It's not drudgery. लेकिन आपने बड़ा important point कहा कि हर आदमी ये अपनी first choice की चीज नहीं देख सकता. अब अगर मैं Bollywood hero बनना चाहता हूँ, सारे तो नहीं Bollywood hero बन जाएंगे. धर्मेंद्र भी बड़ी मुश्किल से बना, रणबीर कपूर थोड़ा आसानी से बन गया, but हैं तो गिने चुने ना. So what happens is that we need to make sure that we are as close as possible to what we love. If you can't get your first choice, there must be a couple of other things which you love. तो हमें chartered accountancy नहीं करनी अगर हमें numbers ही नहीं अच्छे लगते. Right. Let me be in a people's frame of work if I am a people's person. ठीक है, I couldn't become my first choice. I wanted to be a TV show host, supposing somebody, जी. And he can't do it. You are hosting a show. I am going to be hosting a show. हम लोग अपने मन की बात कर रहे हैं. लेकिन आप नहीं कर पाए तो आप कम से कम PR में आ गए, मीडिया में आ गए, जहां पे आप लोगों को मिलते रहे. तो करियर ऐसा चुने विच यू लव और विच यू लाइक, नॉट वन विच यू हेट. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. सर जब आप रात को लेटते हो बेड पे, यू आर
ऑलमोस्ट यू हैव आपने अपना डे वाइंड अप कर दिया है, व्हाट इज द लास्ट थिंग ऑन योर हेड? आप वाइंडिंग अप कैसे करते हो? आर यू वन टू वन विद योर सेल्फ और यू आर व्हाट आर यू डूइंग? आई हैव चेंज्ड. सो इन द लास्ट 15 इयर्स आई हैव बीन अ मेडिटेटर. आई फॉलो परमहंस योगानंदा. आई फॉलो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी. आई रीड दैट बुक एवरी डे. At the end of the day, I am told by the Guru's teachings that you give everything back to the Lord. So, jo khushi mili, dukh mile, wo sab usi ko de do. Lighten your burden and go to sleep. Hey, sir, ye to chinta jo hai, ye aap se malo. Hum to so rahe. Ghode bech ke sona. Basically means that you lighten your mind. How can you sleep if you have a worry on your... You can, but it's difficult. Aur phir subah uthke bhi wo worry aapke saath hai. Correct. So the thing is that unless it is something which is so important and pressing jo aap chhod hi nahi sakte, usko aap chhod do. But I used to be like that, ke, you know, raat ko TV dekh ke so gaye, news dekh ke so gaye, tension leke so gaye, music bhi nahi suna, kuch bhi nahi. Ab hum music bhi sunte hain, meditation bhi karte hain, walk bhi karte hain. To achhi activities ke saath aap soenge. You'll have great sleep. I think you must be thankful to the Lord. Sir, jab aap administration aur government ke saath kaam kar rahe the, were sleeps different then? Because you are not just living your life, but lot of people's lives and lot of the decisions that are actually we are made to either create them or implement them, not just for ourselves, but aap logon ke liye. When sir, I remember meeting him in the office very faintly. I was very young then. Sir was the DC of Panchkula, district commissioner of Panchkula. Yeah. And then I remember meeting when sir, you were the, I think you were heading the Haryana School Education Board. Yes. Shiksha Sadan. Yes. Yes. And at that time also I was working on that. Yes, with the corporation. So I remember, you know, taking decisions and listening to so many people at the same time. I know that is nerving, you know. But then again, how was life different then and different now? You're right to ask this, but I'll put it in three phases instead of two. First phase tha jahan busy the aur kuch aur nahi tha life. Meditation nahi tha, God bhi piche hi the. Ji. Kaam hi kaam tha. Aur kaam tha aur pareshaniyan bhi thi aur ji sab kuch tha. Akhbar mein photo bhi aati thi, wo bhi thi. But at that time I was like everybody else, a little tense. Ke yaar रात को एसडीएम को तो फोन भी आता है ना 12 बजे. एक बार 3 बजे फोन आया सुबह कहते सर वहां पे डैम ब्रीच हो गया बारिश से. अदन डैम विद इन 30 मिनट्स आई वाज देयर एट द डैम इन कालका पिंजौर साइड. सो अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली गिव्स यू अ बर्डन इन स्लीपिंग और या कुछ भी करने में माइंड पे बैक ऑफ द माइंड रहता ही है. सेकेंड फेज आया जब मैं मेडिटेशन शुरू की सर्विस में. जी. सो इवन एज डीसी आई वुड मेडिटेट इन द मॉर्निंग एंड गो. और आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, सुबह 6-7 बजे किसी के फोन नहीं आते अनलेस इट्स एन इमरजेंसी. यू आर मेडिटेटिंग एट दैट टाइम, यू वेक अप अर्ली एंड यू आर प्योर एंड क्लियर एंड देन यू स्टार्ट योर डे. 7 बजे के बाद फोन शुरू हो जाते हैं. डीसी को तो आते ही हैं सुबह सुबह. सो आई वॉज एबल टू एंकर माई सेल्फ इन दैट मेडिटेशन इवन वाइल इन सर्विस. सो आई कुड हैंडल द प्रेशर बेटर. और थर्ड फेज है आफ्टर रिजाइनिंग व्हेन आई एम नाउ वेडेड टू क्रिएटिविटी. क्रिएटिव चीजें करनी है जो मन करता है. स्पीक आज सेशन करेंगे, आज इंटरव्यू करेंगे, आज किताब लिखें, आज कहीं नहीं जाएंगे किताब लिखें, या फिर बच्चों को हेल्प करेंगे. आई डू अ लॉट ऑफ चैरिटेबल वर्क. राइट. आई गो टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस. आई मीट दीज किड्स. आई टॉक टू देम. आई गिव देम इंस्पिरेशन. उनको मेरे जैसे आदमी से सुन के थोड़ा सा लगता होगा कि हाँ ये कुछ ठीक ही कह रहे होंगे. जी. तो मेरा 80% काम है यंगस्टर्स के लिए. तो इट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन बट आई एम नॉट बाउंड बाय एनी प्रेशर्स. अब मुझे ये फोन नहीं आएगा कि वहां पे दंगा हो गया पहुंच जाओ. करेक्ट. वो तो मैंने नहीं पहुंचना, किसी और ने पहुंचना है. वो कोई दिक्कत नहीं. जी. सर तो व्हेन यू आर नाउ टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स और बच्चों से अब स्कूल्स में, आई हैव सीन सर इज एक्चुअली मेंटरिंग लॉट ऑफ यंग स्टार्टअप्स एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी. सर डू दे एक्साइट यू? डू दे गिव आइडियाज टू यू? डू यू थिंक कि द जनरेशन इज इवॉल्विंग and just like the way your children have grown, is the next generation a little different? Thoda sa. It's a brilliant question, Ojaswi. This is a very important question. Youth is ever evolving. Mujhe wo inspire karte hain. When I go to a hall full of 500 or 1000 youngsters, school ya college ya jo bhi hain, kabhi corporates bhi hote hain, you know, I feel that energy. And if I am able to connect with them, then they laugh at the right time. They clap at the right time. They know that I'm saying something of importance.
मुझे लगता है इंडिया यूथ इज ब्रिलियंट. ऑल वी नीड इज टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म, वी नीड टू गिव देम गाइडेंस, वी नीड टू स्टे आउट ऑफ देयर वे एज मच एज पॉसिबल. उनके ऊपर पुलिसिंग नहीं करनी हमें, लेकिन यह है कि कम्युनिकेशन पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का बना रहे, चिल्ड्रन का बना रहे. आई एम वेरी होपफुल अबाउट द यूथ ऑफ इंडिया. इन माय डॉटर्स आई सी अ लॉट ऑफ एम्पथी फॉर यंगर पीपल, फॉर पुअरर पीपल. एब्सोल्युटली, दे आर इन द, वन ऑफ देम इज इन द सोशल सेक्टर, वन ऑफ देम इज इनटू आर्ट बेस्ड थेरेपी. फाइन आर्ट के जरिए डिप्रेशन में से बाहर ला रहे हैं लोगों को. सो आई थिंक दे हैव इवॉल्व्ड. आई थिंक आवर टाइम वी वर अ लिटिल रिस्ट्रिक्टेड के यार मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरा ये क्या होगा. आई हैव बीन थ्रू दैट फेज. यू आल्सो बीन थ्रू दैट. नहीं, 80s में तो बहुत ज्यादा था. आप औरों के बारे में सोच नहीं सकते. अभी क्या इंटरनेट पे आप देख रहे हैं, अफ्रीका में बच्चों को इंग्लिश नहीं आती तो इंडिया के बच्चे पढ़ा रहे हैं उनको, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं. या हम गाँव में जाके रूरल इमर्शन करते हैं. दीज आर डिफरेंट टाइम्स. द चिल्ड्रन एंड द यूथ ऑफ टूडे आर ऑन द राइट ट्रैक. वॉट वी नीड टू डू एज अ कंट्री, एज अ सिस्टम, is to give them the right platform and make the right noises. कई बार गलत गलत आवाजें आ रही होती हैं, वो डर जाते हैं, वो नहीं करना. मेरा experience इसमें एक चीज में थोड़ा सा और एक dimension add करता है, बोलता है मुझे लगता है कि they need to channelize their energies in the right direction. वो direction, वो दिशा ही जो जीवन की होती है ना, वो मिलते मिलते थोड़ा सा समय लग जाता है. तो don't fear to experiment with life. एक आप एक पाथ आपको ठीक लगता है, थोड़ा टाइम चल के देखें, उस राह पे कुछ लोगों से मिल के देखें. जैसे इफ़ यू वांट टू राइट, क्योंकि सर मुझे याद है, आई रिमेंबर माय टाइम व्हेन वी हैड जस्ट कंप्लीटेड 10th एंड स्कूल में ना फोटोग्राफ, वो स्कूल ना वो अपने जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की फोटोग्राफ होती है, तो उसमें मेरी फोटो लगी. तो माय नानी जी सेड कि अब नाउ इज अ ब्रिलियंट स्कोरर इन क्लास 10th, लेट हिम परस्यू साइंसेस. मतलब मुझसे पूछा ही नहीं. तो आई टुक साइंसेस. अब 11 12 तो सर मेरी ऐसी गई कि मतलब आप सोचो कि उसके बाद मेरी कहीं छोड़ो, मेरे अपने घर में फोटो नहीं लगी. तो कहीं पे अब टीवी पे आते हो जी. देन लाइफ अगेन चेंज्ड. आई टुक अनदर प्रोग्राम, इट डिडंट वर्क. बट आई थिंक मेरी कम्युनिकेशन मेरे पेरेंट्स के साथ हमेशा बहुत ओपन रही. आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, इफ आई डिडंट लाइक समथिंग, ऐसा नहीं था कि उन्होंने लोन ले लिया. मुझे समझ में आता है पेरेंट्स डू अ लॉट फॉर अस. आई थिंक जो एक पेरेंट बच्चों के लिए कर सकता है ना सर, वो मैं ये कह सकता हूँ, एक पेरेंट बनने के बाद ही हमें पता लगता है. वो उस दौरान तो हम मौज ही कर रहे होते हैं बिल्कुल. तो उस टाइम यही था, बस इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर नॉन मेडिकली तो आप इंजीनियर ही बनोगे. फिर वही प्रोसेस, फिर आप इंजीनियरिंग है, आप पैकेज अच्छा नहीं लगेगा तो MBA कर लो. सो दीज वर द ओनली चॉइसेस. अब आप देखो कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं सर, सोशल वर्क, आर्ट थेरेपी, योर डॉटर्स आर डूइंग इट नाउ. योर डॉटर्स चोज टू डू दिस. आई वॉन्ट टू नो इट फ्रॉम यू सर. यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ सच अ initially to begin with, I can call it a conventional framework. Yeah, it was a conventional framework. Because absolutely. I think this frame of mind से हमारे parents आए हैं. Sir, I think I say we are very fortunate. In my own lifespan, when I am not as old as you, but I have seen a home without telephone, then with a landline, sir, then with a pager, then with a bigger cell phone, then with a cell phone, then with a feature phone, then with a smartphone, then with a touchscreen phone, then with a tablet. So, the evolution of globalization, jo India mein 1991 ke baad shuru hui, toh we have seen everything, right from a VCR, having no TV at home, a VCR to digital. Absolutely. The theaters, everything has gone like haywire, and you want to be just everywhere. And that's what people ask me, aap kahan aate ho, aap kahan aate ho. I said, damn it, there are so many platforms. Actually, as a company, you have to be everywhere. So, how do you think for you as a father, aapke bachon ka, you have seen the growth, and why have you also allowed them to be not that conventional when they are actually wanting to work their day and night? I agree with your thoughts, and it's a very important point. I have seen many parents who want their children to live their aspirations. कि मैं नहीं बन पाया, या बन भी पाया तो भी आप भी बनो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर जो भी बनो. यू सी, लकीली फॉर अस, वी रियलाइज दैट आवर डॉटर्स आर क्रिएटिव. यस, एंड मेनी चिल्ड्रन टुडे आर क्रिएटिव. दे वांट टू डू थिंग्स विच आर रेयर. सो हमें क्या करना पड़ा कि हमें सिर्फ उनको थोड़ा सा चैनलाइज, एज यू सेट करा, वी चैनलाइज देम. वी डिडंट से दैट यू बिकम अ बैंकर, यू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट. नाउ सोशल सेक्टर विल गिव देम अ गुड करियर. But if they go to New York and become investment bankers, they will get much more money. Right. We're not that kind of parents.
which you do what you want to do. Plus, I think compassion is something very important. Mm. If I am working, even there is a big company which gives an ad, be remembered for good. Mm. Be remembered for good ke do many. Be remembered forever and be remembered for good things that you did. That company is a top commercial company, but they want to be remembered for good. Mm. Tata's, we can give an example of Tata's. Mm. Look at how humane they are, how they think of the society. So I think my daughters, all right-thinking parents, children, they should be allowed to flower. And if they are working in an area which is compassionate, hum bhi jo kar rahe hain conversation, hume to acha lag raha hai. Hopefully some 100 students or youth will benefit by what we are talking about. Okay. So ye compassion bhi hai, the giving back to society bhi hai. So I think going forward, you rightly said, times are changing, technology is changing. Smartphone ke baad kya hai? यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजिस्ट भी हूँ, यहाँ पे रिस्ट में आपके चिप आ जाएगा जी. योर स्मार्टफोन विल बी इन योर रिस्ट. इट्स अ स्केरी थॉट. आई विल बिकम एन ऑटोमेटन जी. सो माय फ्यूचर हैज टू बी इवन मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस. एब्सोल्युटली. क्यों, मैं तो टेकी बन गया, कंप्लीटली टेकी बन गया. सो आई थिंक वी नीड टू ओनली गाइड आवर चिल्ड्रन. वी नीड टू गिव देम ह्यूमन वैल्यूज. एब्सोल्युटली. कॉन्वर्सेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, एम्पथी, कंपैशन. उसके लिए पेरेंट्स को एग्जांपल बनना पड़ेगा, रोल मॉडल बनना पड़ेगा. दैट्स द थिंग. और ये चीजें सर, जब मैं फिल्म मेकिंग के बारे में बात कर रहा था, तो ये सारी चीजें वहां अप्लाई होती हैं, डलती हैं. बिल्कुल. आई ऑलवेज टेल पीपल व्हेनेवर आई अटेंड ऑल दीस फोरम्स एंड समटाइम्स एंड बियॉन्ड अ पॉइंट आई स्टॉप गोइंग टू फोरम्स बिकॉज़ आई फाउंड पीपल वर ओनली टॉकिंग बिजनेस लैंग्वेज. राइट. फिल्म फॉर मी एक कंटेंट नहीं है. इट्स 2 इयर्स ऑफ समबडीज रिसर्च, समथिंग दैट हैज बीन रिटन, experienced, and which will then be lived by at least 300 people for 6 months before it becomes a film. And then when you go to watch it in the theaters or you watch it on the screen, you are not eating the film. It's not something that you are consuming. Ye content or consumption, ye main do cheeze hain. Ye sir mera thought hai. It's something that you experience. Jab hum किसी भी स्टेज पे या कहीं पे भी हम किसी फिल्म का या एक्टर का या किसी डायरेक्टर की लाइफ का उदाहरण देते हैं, तो वो कोई कंटेंट कंजम्पशन की बात नहीं करते. उनके किसी काम से या ऑथर या विवेक सर की बुक्स भी हम पढ़ें, तो उससे जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हम वैल्यूज हैं, वो हमारी लर्निंग्स हैं, क्योंकि हम वही चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे जो हमने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया. ऑफकोर्स ना, जो चीज़ ऑलरेडी मैं जानता हूँ वो फिर मेरे लिए एक न्यू फाइंडिंग नहीं होगी. एब्सोल्युटली. न्यू फाइंडिंग ही मैं याद रखूंगा ना सर. आपने बड़ी अच्छी बात की. यू सी, व्हेन वी रीड समबडीज बुक एंड वॉच अ फिल्म आल्सो, एंड वॉच अ फिल्म, वी आर क्लोजर टू दैट फिल्म मेकर और ऑथर देन वी कैन बी इवन सिटिंग टुगेदर लाइक दिस. एब्सोल्युटली. क्योंकि उसकी जो जान उसमें लगी है फिल्म में, उसका माइंड उसमें, उसका बीइंग उसमें. इन अ बुक विच अ 500 ईयर ओल्ड बुक यू आर रीडिंग, यू आर क्लोजर टू द हार्ट ऑफ दैट ऑथर एंड दैट एरा देन यू कैन बी इन एनी अदर वे. एब्सोल्युटली. इन अ फिल्म यू सी द फिननेस, यू सी द फाइनर पॉइंट्स एंड यू सी व्हाट इज मिसिंग इन योर लाइफ, यू एंजॉय दैट. लेकिन ये एक एक्सप्रेशन जो है वो आमने सामने बैठ के भी नहीं आ सकता. तो जो मैं लिखता हूँ या मैं बोलता हूँ या आप फिल्म बनाते हैं, वो एक आर्ट है. Which is more expressive than anything else. It's a marriage of art and business both. So, ये भी कहूँगा. Sir, when we come to talk about public speaking, I just want to know one thing, and I'll share you my experience also. What is the feeling when you walk into an auditorium where there are like 500s and thousands of people sitting, and you walk onto the stage? And what is that 1 second moment before you begin addressing the audience? A, चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट. व्हाट इज दैट वन मोमेंट दैट यू. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. यू सी, गावस्कर व्हेन ही वेंट टू बैट फॉर द 100th टाइम फॉर इंडिया, जी, ही सेज कि अगर थोड़ी सी नर्वसनेस ना हो तो मजा क्या है. थोड़ा बहुत घबराहट जरूरी है. सो व्हेन यू गो ऑन स्टेज फॉर द 500th टाइम बिफोर 1000 पीपल, थोड़ा सा एंटिसिपेशन, एक हार्ट में थोड़ा सा गैलप जरूरी है, जी, वो होता है, जी. And when you stand there, somehow you must have noticed on camera or behind the camera. I notice when I go on the stage. Somehow I become Vivek 2.0 or 3.0, 4.0. Although I tell my speakers, I tell my students, be yourself. लेकिन वहां पे अभी हम कैमरे पे हैं, तो कुछ और एक पर्सनालिटी में जिंग आ जाता है. जी. वो जिंग जो है वो आपको और दूर तक ले जाता है. सो वंस आई गो देयर,
दैट इनिशियल नर्वसनेस ट्रांसलेट्स इनटू क्वाइट कॉन्फिडेंस आई कॉल इट काम जैसे आपने भी है योर पर्सनैलिटी इज कामली कॉन्फिडेंट आई ऑल्सो लाइक टू थिंक दैट आई एम कामली कॉन्फिडेंट कोई ब्रैश नहीं है कोई गुस्सा नहीं है कोई ये नहीं है कि ये क्या है वो क्या है ऐसे उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है दैट इट रादर पोर्ट्रेज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सो इफ आई एम स्टैंडिंग बिफोर एन ऑडियंस विदिन दैट वन मिनट दैट बटरफ्लाई इन द स्टमक दे सबसाइड जी आपने शुरू किया हेलो एवरीवन हाउ आर यू डूइंग और फिर बच्चों से बात की या स्टूडेंट से बात की या कॉर्पोरेट से बात की देन दे स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग फिर गेम शुरू हो जाता है बिल्कुल आप जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बताएं कि कितने लोगों ने विवेक अत्रे सर को लाइव आई एम नॉट सेइंग द जूम एंड ऑल चलो जूम पे भी अगर सुना है सर के सेशंस ऑनलाइन भी सुने हैं बट कितने लोगों ने सर के सेशंस लाइव अटेंड किए हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएं मैं सर से जरूर शेयर करूंगा तो अभी आप किसी वैसे बुक पे काम कर रहे हो सर कर रहा हूँ मेरी चौथी बुक आने वाली है जो कंपाइलेशन ऑफ माय कॉलम है जी तो अभी तैयार है रैंडम फॉरेस्ट रैंडम फॉरेस्ट गाइस अगर आप रैंडम फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स में सर हिंदुस्तान टाइम्स में करेक्ट तो उसकी कंप्लीट कंपाइलेशन की बुक आने वाली है और वो 22 में आएगी नहीं अभी आ जाएगी अभी आ जाएगी अभी जल्दी आ जाएगी और उसके बाद मेरी नॉवल आएगी आईएएस की आईएएस ऑफिसर की कहानी आएगी एक नॉवल जी वो आएगी नेक्स्ट जी तो आप सर आपने खुद मुझे पूछा कि मैं कितना काम कर रहा हूँ आप सुबह से रात तक कितने काम करते हो चार पांच अलग अलग चीजें चार पांच करता हूँ मैं एक फनी बात बताऊँ जी जी बिल्कुल सर मुझे अभी गोवा में एक आपको पता है पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया आप भी हैं मैं भी हूँ सर मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दी पूरी सर इज द चेयरमैन ऑफ द चंडीगढ़ चैप्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज़ वेल एग्जैक्टली हमारे चंडीगढ़ पीआरसीआई चैप्टर को 7 अवार्ड्स मिले गोवा में जिसमें से 2 मेरे इंडिविजुअल थे जी. और 5 टाइम्स और मुझे जाना हुआ टीम के साथ जी. तो हम लोग 7 अवार्ड्स रिसीव करके आए जी गवर्नर वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग और अदर्स वर डिस्ट्रीब्यूटिंग जी मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ जैसे बच्चों को होता है बिकॉज जब मैं स्कूल में था इतने अवार्ड नहीं मिलते थे जी कभी कभार मिले सो आई वेंट ऑन स्टेज टू रिसीव द अवार्ड जिंदगी भर एज चीफ गेस्ट या डीसी या व्हाटएवर हम अवार्ड देते रहे जी तो मेरे पास जो कोई यंगस्टर या बड़ा हो गया वो मिडिल एज आता है सर जब मैं स्कूल में था ना तो आपने हमें अवार्ड दिया था जी तब मुझे पता चलता है मैं भी सीनियर हो गया बहुत ज्यादा जी तो अवार्ड बहुत दिए और अब थोड़े से अवार्ड लिए सर मैं ये एक आपसे जानना चाहूंगा आई वॉन्ट टू नो यू हाउ यू आर व्हेन यू आर अ स्टूडेंट एंड योर फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस आई वॉन्ट टू नो हाउ योर पेरेंट्स फेल्ट बिकॉज अभी ये सारे स्टूडेंट्स ये सारा यूथ जो देख रहा है ये उस एज में है जिस एज से अब आई थिंक आपके डॉटर्स भी अब थोड़ा सा ऊपर जा चुके हैं वो भी उसमें से बाहर आ गए हैं स्टूडेंट लाइफ में से जी सर देखो जसवी क्या है कि ये जर्नी है लाइफ की हम जहां से आ रहे हैं ना कुछ लोग पहले ही वहां पहुंच चुके हैं जैसे पहाड़ के ऊपर जा रहे हो तो बैठे ऊपर देख रहे हैं आपको अब नीचे से आ रहे हो जी तो हम लोग काफी एक्सपीरियंस कर चुके हैं बट लेट मी से व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज एज शाय एज एनीवन एल्स I could not speak fluently like this. जी. My writing skills were good. Somehow English आती थी, हिंदी भी ठीक थी, लिखते थे. बोलना नहीं आता था इतना. माइक के आगे या स्टेज पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं था. धीरे 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 बिल्डअप हुआ. आई मेट माई वाइफ टू बी इन कॉलेज शाय होता था बट वो गर्लफ्रेंड थी फिर हम बाद में शादी भी हुई हमारी तो शाय में हम आगे बढ़ गए उसमें भी तो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया उसके बाद फिर कुछ कॉम्पिटिशन्स दिए फिर माय फादर पास्ट अवे हरियाणा सिविल सर्विस में आ गया जी. काम तो करना ही था कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया इंजीनियरिंग भी थी पीछे सो आई थिंक बाय एंड बाय आई स्टार्टेड बैकिंग माय सेल्फ आई रियलाइज्ड कि जो लोग क्या सोच रहे हैं ज्यादा मत सोचो जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सब यूथ को बताता हूँ पहले हम सोचते थे यार मैं क्रिकेट भी खेलता था जी सो माई कोच क्या सोचेगा मैं 0 पे आउट हो गया 10 पे आउट हो गया व्हाट विल ही थिंक व्हाट विल माई पेरेंट्स थिंक इतने मेहनत करा रहे हैं और आउटपुट नहीं आ रहा जी देन आई रियलाइज यार इतना ज्यादा सोचो मत ओवरथिंकिंग इज आर बेन ओवरथिंकिंग इज आर एनिमी आई कीप टॉकिंग टू द यूथ अबाउट दिस सो आई से गो थ्रू योर जर्नी स्टडीली लर्न ऑन द जॉब इंक्रीज कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली यू कांट बी अमिताभ बच्चन इन वन डे यू कांट बी आलिया भट्ट इन वन डे बट ग्रेजुअली यू कैन बी इवन बेटर सर ड्यूरिंग दोस ग्रोइंग अप इयर्स आपके मदर का और आपके वाइफ का मतलब टिल अ सर्टेन एज आई थिंक यू गॉट मैरिड आफ्टर दैट ओनली है ना बट इनिशियली व्हेन यू हैड गॉट इनटू योर फर्स्ट जॉब
and you were solely responsible for the family at that point of time. So I, you know, and considerably we are very young. Very young, and you know, I can totally understand that feeling. how was your mother? Matlab, aapka as a son and your mother, what was your bond like and what was it like? It's a wonderful question, because today we are celebrating the final of the tournament in my mother's memory. Ji, Brahmatri Memorial Tournament. Ji, sir. When I lost my father, I was 25, which was young. Ji. And she also passed away 5 years after that. But 25 to 30, in my age, she Ji. Was there. Hmm. I got married after that. My sisters got married after that. Un 5 saal mein hum teenon ki shaadi hui. Ji. My mother and I, obviously, we had to hold the fort. Ji. Lots of confidence building, looking after her, she looking after us. Wo bond itna zabardast tha, and my father was such a powerful personality in our lives ke unko miss hum bahut karte the. She was very, very, you know, saddened. After that, growing steadily. Then my wife came, as you said. My two sisters, my two daughters. So these ladies have been an amazing influence in my life. So my wife started building up the children's school, toddler school, which my mother had started. Ji. फिर मैं अपनी जॉब करता था, सपोर्ट करते थे, हमारी बेटियां हुई. सो लाइफ स्टार्टेड वर्किंग, बट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम वुमेन. लेट मी टेल यू, जो सेंसिटिविटी, जो इमोशनल इंटेलिजेंस, जो अंडरस्टैंडिंग उनमें है, वो कई बार जेंट्स में नहीं होती. आदमी लोग, हम लोग बोल देते हैं, जैसे कोई रो रहा है ना, तो हम कहे वो कोई नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हम ऐसे बोलेंगे. लेकिन वो मदर जो है, उसके साथ बैठ के उसको झप्पी डाल के 10 मिनट उसकी बात सुनेगी. वो दे डोंट वॉन्ट दैट के ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. They want that sympathy, empathy and time. We ladies se sikhte hain. Lots to learn from the women. We are very fortunate to have strong women. Yes. Around us. And I would say my mother is one of them. My better half is one of them. My daughter is one of them. My sister is one of them. So many. I'm surrounded by so many. And they are very important. Very important. Part of the life. Sir, how do you see society now? I see people getting too loud on social media, and you know, they are very reactive rather than they don't understand how things work. Without having that adequate knowledge also, they would immediately react. People react and they don't respond. Mm-hmm. I always tell the youngsters, you should Absolutely. Learn to respond, not react. And do you think ki bahut impatient ho gaye hain, people want quick money, quick decisions, everything very quick? How's it like? एक तो ये बात है जो आपने कही ना, instant gratification. जी. अभी मैंने किया तो अभी लाओ, स्विगी है तो 10 मिनट में आ जाएगा, जोमैटो आ जाएगा, डोमिनोज का पिज्जा लेट हो गया तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी उसको, वो देगा आपको. सो इट्स एन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सोसाइटी, बट द बेसिक्स हैव नॉट चेंज्ड. सही तो सही है और गलत तो गलत है. What I see in people today is that they are sometimes misusing their free will. God has given us free will. I can become a drug addict or I can become a saint. My free will. किसी ने मुझे जबरदस्ती नहीं की, ठीक है, circumstances होती हैं life की, मुश्किलें भी बहुत आती हैं. Who has had a totally smooth life in life? Absolutely. Has anyone in the world, Mother Teresa की life smooth थी कोई? Gandhi ji की life कोई smooth थी? The greatest people in the world have had the most difficult lives. If you look at it, we have to understand that ups and downs will be a part of life. You said very rightly ke react karne ki jagah respond karo, which means we need to have calmness. Road rage kis liye hota hai ke dono taraf se gussa hai. Agar ek banda unme se shant hoga, dusra kitna maar lega usko. Ek do ke baad wo chup hi ho jayega. Mujhe sir ye samajh mein nahi aata, do logon ki gaadi lag jati hai, wo sadak pe udke aise ladte hain ki क्या हो गया है, मतलब किसी के घर में चोरी कर ली आपने, कि आपके पास इंश्योरेंस है, दोनों लोग घर जाओ, आपको वेयर यू पेइंग द इंश्योरेंस कंपनी 20,000 rupees एवरी ईयर इंश्योरेंस लो, हल्का सा बम्पर टच हो जाता है, लड़ते हैं कड़े. हम लोग विवेक आईएएस करियर एकेडमी में बैठे हैं, जिसके फाउंडर मेरे दोस्त सुनील शर्मा थे. जी. ही पास्ड अवे. सुनील और मैं बचपन के दोस्त थे. जी. हमारी एक बार टक्कर हो गई किसी के साथ, हम दो एक गाड़ी में थे किसी के साथ. जी. तो मैं ना आई तो मैं ऑफिसर था, प्राइवेट गाड़ी में थे उस टाइम, तो मैंने कहा यार छोड़ो इसमें. तो मैंने उसको बोला, अच्छा ऐसा है यार, सुनो मेरी बात, गुस्सा मत करो, हम लोग फलाना, मेरा नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, इसमें कोई ज़्यादा बात है नहीं, आप इतनी तारीख को 4 बजे आ जाओ, बात करेंगे. तो सुनील मेरा दोस्त देख रहा था कि ये क्या हुआ, ये चला गया, ये हम भी चले गए, ये तो 2 मिनट में खत्म होगी बात. तो 4 बजे परसों आएगा, जो परसों 4 बजे गुस्सा भी ठंडा होगा,
चाय भी पिलाएंगे, बात होएगी, वहां सड़क पे जरूरी है सारे फैसले करने अब. सो व्हाट आई ट्राई टू डू एंड ही आल्सो यूज्ड टू लाफ एट मी कि व्हेन द हीट ऑफ द मोमेंट इज देयर जी पोस्टपोन दैट. अच्छा यार कोई नहीं बात करेंगे, बाद में करते हैं, अच्छा उसको मिलते हैं, अच्छा कर. तो गवर्नमेंट में भी कई बार ये फैसला लेते हुए ना, डोंट टेक द डिसीजन इन द हीट ऑफ द मोमेंट. नरसिम्हा राव वॉज एन एक्सपर्ट एट दिस. नॉट टेकिंग अ डिसीजन वॉज ऑल्सो अ डिसीजन. एक महीना पोस्टपोन कर दो तो वैसे ही ठंडे हो जाती है चीजें. तो कई बार आपको ऐसी चीजें करनी होती हैं जो विचार कामली डन. आई टेल यू कामनेस इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू विल हैव मोर गुडविल, मोर रिस्पेक्ट. इफ यू आर एन एरोगेंट एंग्री पर्सन पीपल विल बी स्केयर्ड ऑफ इट, बट द मोमेंट यू आर आउट ऑफ दैट सीट दे विल से ओके थैंक यू वेरी मच. इफ यू हैव गुडविल रिस्पेक्ट कामनेस वो आपको 25 साल के बाद भी मिलने आएंगे बर्थडे पार्टी में. करेक्ट, दैट्स इट. ऐसे तभी तो मैं जाता हूँ और इतने 500,000 लोग हमेशा. मैं उस दिन भी मिलने गया तो मैं बैठा था तो एक मीटिंग शुरू हो गई, 5-6 लोग और आ गई और सर बाहर आए और इफ आई कैन से दिस, सर ने कहा मेरे डीसी वाले दिन मुझे याद आ गए कि हमने बिल्कुल घूम के बाहर ही खड़े थे दोनों लॉन के साथ ही खड़े थे. आई थिंक पता नहीं क्या हुआ, बेल बजती रही. आज लकीली हम शांति से बात कर रहे हैं. बिल्कुल. You know, there are so many things. How have you seen this whole area changing now? Pura Tri-City area. I think Tri-City is a beautiful area. Quality of life is the best. मैं director IT और tourism रहा हूँ चंडीगढ़ का, तो मेरा काम ही था इसको प्रमोट करना. तो मैं बैंगलोर में जाके उनको बोलता था यार बैंगलोर में तुम 1.5-2 घंटे ऑफिस आते आते ही थक जाते हो, यहाँ पे 15-20 मिनट में आप ऑफिस, उस टाइम 15-20 मिनट में पहुंच जाते थे ऑफिस. आई सी योर एम्प्लॉइज विल बी फ्रेश. When they come to work, their output will be more. You shift to Chandigarh. Come and give jobs here. तो मेरा तो काम ही इसका ambassador बनना था. Tourism में भी बहुत कुछ किया. तो my point is that all we need to do is to avoid overcrowding, have good seamless transport, and maintain the quality of life. Green spaces are important. And the society needs to be more understanding of others. Cultural activities are important. Music, art. लोगों का ध्यान झगड़ों की बजाय अच्छी चीजों में लाओ. पूरे इंडिया में अगर हम स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट के कॉम्पिटिशन्स कराते रहेंगे पूरे साल गांव में, वार्ड में, फलानी जगह, तो लोगों की एनर्जी थोड़ी सी अच्छी तरह. अभी क्या है कि यार वो ठेका खुल गया, यार वो पॉलिटिशियन आ गया, यार चलो उसका ये हो गया, वो देखो कितना खराब है. तो कॉन्वर्सेशन भी वही है. वी नीड टू चेंज द कॉन्वर्सेशन. सर जब आप अपने बारे में सोशल मीडिया पे पढ़ते हो, मतलब व्हेनेवर यू पोस्ट समथिंग, व्हेनेवर यू पोस्ट दैट माय आर्टिकल हैज कम, और या आप कुछ भी, कोई भी नया वीडियो आता है या व्हाटएवर न्यू इनिशिएटिव दैट यू हैव स्टार्टेड, यू अनाउंस अ टूर्नामेंट और यू अनाउंस दैट यू आर लॉन्चिंग दिस एंड यू आर पार्ट ऑफ दिस, उसमें दो तरीके के मैं हमेशा रिएक्शंस और कमेंट्स पढ़ता हूँ. वन इज ऑफ कोर्स पीपल हु हैव बीन long time associated with you and they know you and they're very proud of you ki good congratulations ye wo, and kuch na bade funny se interesting se, kuch log na funny cheeze ya kuch point out karne ke liye na, maine ye bhi dekha hai, wo wahan nahi likhenge, wo kahin message karke bhejenge ya kuch karte hain. Sir when you meet or when you interact and when you read these kind of things, kuch do char hame funny aur mazedar offbeat si baatein batao is mein. Main batata hu, ek to ye tha ki ek banda when he was in school, I gave him an award. तो मैंने एक फोटो लगाई कोई, तो उसने कहा, किसी लड़की की फोटो लगाई जिसने मुझे फोटो भेजी कि आपने मुझे अवार्ड दिया था. तो मैंने लगाई कि this Navika who was then in class 10, today she is a top executive. तो उसने मुझे फोटो भेजी है, तो I posted. Now this guy in Kalka, he got an award from me when he was in school, and then he got an award from me 15 years later when I was DC. And he was now a blood donor or something. Right. उसने वो फोटो भी लगाई और 15 साल बाल वाली भी लगा दी उसी पे. तो मैं देख रहा हूँ यार ये कमाल है, लुक एट द काइंड ऑफ बॉन्डिंग दैट आई हैव विद पीपल. सो आई रियली एंजॉयड दैट कि उन्होंने ये रियलाइज किया कि सर ने उन मैन की फोटो लगा दी कि मैंने उनको बहुत यंग एज में आई थिंक अवार्ड दिया था. लोगों ने ये एक्सप्रेशन मिस आउट फील किया, मतलब कि हमें भी करना चाहिए सर, हमारी भी फोटो लगा. तो उन्होंने कमेंट्स में डालने शुरू कर दी सर. हां फोटो लगा दी कमेंट्स में. फिर ऑकवर्ड भी होते हैं कई बार. अब मैंने अपनी फाइंडिंग सक्सेस विद इन बुक है जी, इसके बारे में मैंने पोस्ट लगाई 3-4 जी,
तो ये पढ़ी सर बुक? ये पोस्टर है अभी, बुक हैज रन आउट। हाँ, तो बुक जब आएगी तब हम देंगे आपको। तो सोल्ड आउट बुक है गाइस, पर आप ऑर्डर दे सकते हो, इट्स अवेलेबल ऑन Amazon। इट्स अवेलेबल, फाइंडिंग सक्सेस विद इन, हिंदी में इट इज कॉल्ड सफलता की आंतरिक खोज। जी, तो क्या हुआ कि मैंने ये पोस्ट लगाई तो एक बंदा लिखता है, नहीं नहीं सेल्फ हेल्प बुक्स का कोई फायदा नहीं होता है, जनरल ही नॉट टॉकिंग अबाउट, ही हैज नॉट रेड माय बुक। जी, सेल्फ हेल्प बुक्स का क्या फायदा होता है, दीज आर नॉट वेरी यूजफुल, ये वो। फिर मैंने एक 6 महीने बाद कुछ और लगाया, फिर उसी बंदे ने सेल्फ हेल्प बुक्स को क्रिटिसाइज किया। तो मैंने सोचा दैट्स अ जनरल व्यू पॉइंट, व्हाई शुड आई गेट इनटू हिज कंट्रोवर्सी, तो आई केप्ट क्वाइट। तो ये मैं देखता हूँ कि सोसाइटी में देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। जी, वी हैव टू गिव आउट आवर पॉजिटिविटी, जो रिसीव कर रहा है पॉजिटिविटी उसको रिसीव करने दो, जो नहीं कर रहा है यू इग्नोर एंड मूव ऑन। सर मैंने आपसे ना बीच में ये जरूर पूछा था कि जब आप रात को सोते हो आप क्या सोचते हो, जब सुबह आप 6 से 7 मेडिटेट करते हो उसके बाद आप क्या सोचते हो ये बताओ, क्योंकि अब तो स्कूटर हैज टू स्टार्ट। उसके बाद अभी ह्यूमन टेंडेंसी आ जाती है, ओ अब जल्दी जल्दी ये करना है, वो है अभी। जी, लेकिन उस जल्दी में भी कुछ कामनेस है पहले से। जी, पहले होता था क्या है, ब्रेकफास्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अब वो नहीं है। अब मुझे पता है कि एक तो IAS में तो टाइम बाउंड ज्यादा था ना, अब 10 मिनट बाद हम इंटरव्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आराम से थोड़ा सा रहते हैं। लेकिन ये है, यू सी नोबडी ऑन दिस प्लैनेट इज परफेक्ट। जी, हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं, आप इवॉल्व कर रहे हो, मैं इवॉल्व कर रहा हूँ। जी, हमारी जर्नी है, इंप्रूव होना जरूरी है। आई कांट से दैट आई विल नेवर लूज माय टेंपर, आई विल नेवर बी इन हबड़ा तबड़ी काइंड ऑफ मोड, समटाइम्स इट हैपेंस, यू मिस योर, यू लेफ्ट योर फोन एट होम, यू लेफ्ट योर बोर्डिंग पास एट होम, कुछ भी हो सकता है। जी, सो व्हेन यू आर इन अ टिजी बी रिलेटिवली काम और रिलेटिवली कूल, उतना नहीं हो सकते, कुछ तो हो सकते हो। टू पीपल इन द सेम सिचुएशन विल नॉट रिएक्ट द सेम वे, एब्सोल्युटली। सो वन पर्सन मे बी मोर एंग्री, अदर पर्सन मे बी मोर कॉन्फिडेंट एंड काम। सर व्हेन इज दैट वन मोमेंट व्हेन आई वुड आस्क यू, व्हेन यू आर नॉट विद योरसेल्फ, अभी तो यू आर लर्न टू बी विद योरसेल्फ द होल डे, कोई एक पॉइंट और मोमेंट ऑफ डिस्कनेक्ट, when you have to disconnect, aisa nahi ki disconnect kar diya jata hai aapko, when you have to disconnect, when is that time? I think that is the time when you get into a very fast work mode or tense mode, ki now this has to be done by 6 o'clock, I have to send my column, random forest ki baat humne ki, when your time bound 6 baje ki deadline hai, वो अभी यार 5:30 बज गए, अभी तो एडिटिंग करनी है, तो उस टाइम तो मतलब सेल्फ हो गया, गॉड एवरीथिंग पीछे चले जाते हैं उस टाइम। फिर आता है कि यार गॉड, फिर याद आते हैं 15 मिनट रह गए, गॉड प्लीज हेल्प मी, फिर 6 बजे चलो नाउ आई एम नॉट विद माई सेल्फ व्हेन आई एम राइटिंग अनदर कैरेक्टर, बिकॉज आई हैव टू बी दैट कैरेक्टर, देन आई हैव मेट दैट कैरेक्टर, आई हैव एक्सपीरियंस दैट कैरेक्टर, एंड आई हैव टू राइट दैट कैरेक्टर, only that is the time. But when I am directing, when I have all the characters in place, then I am in my seat yourself. And then I have to bring all of them in one scene, and I don't know, mujhe to kaam feel nahi hota, but wahi baat hai, subah uth ke main, I have my schedule in place, appointments in place, work in place, recordings in place, but kaam nahi feel hota sir, matlab kaam matlab wo wala kaam nahi, matlab work feel nahi hota mereko. परमहंस योगानंदा, ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, सेड दिस इज अ कॉस्मिक मोशन पिक्चर, द होल वर्ल्ड इज अ कॉस्मिक मोशन पिक्चर, द डायरेक्टर इज गॉड, यू हैव टू प्ले योर पार्ट वेल. He has given you a certain role in life. You have to play that role well. If we understand that this is a movie which is happening, one day we have to leave. Play your part well. Phir isme ek aata hai, hamare ek senior monk ne isi organization ke, he gave a satsang. He said, when somebody is troubling you, don't think that you will go and tell God that he kept troubling me in life. God, please punish him. No. God will ask you, what did you react or respond to him? How was your response? तो कहते हैं अपनी पिक्चर के आप हीरो हो। वो जब जाएगा गॉड के पास तो वो उस पिक्चर का हीरो है जो उसकी है। Right. He will have to answer for his failures. So you are the director of films, and there is a
बीट डायरेक्टर ऑफ द होल फुटबॉल. कभी कभार हम भी बहुत प्रिपरेशन करके जाते हैं, देन देयर आर थिंग्स, समटाइम्स हम रेन हमने प्लान ही नहीं की होती है, पूरा दिन बारिश हो जाती है, बट आपका पूरा सर जैसे वी आर वर्किंग, वी हैव अ परमिशन टू शूट दैट डे ओनली. ओह सो यू नो आई हैव बीन इन द टूरिज्म, आई नो. सर, आउट ऑफ द 3 बुक्स दैट यू हैव रिटन एंड यू हैव पब्लिश्ड, फाइंडिंग सक्सेस विद इन व्हिच इज द लेटेस्ट बुक, दुबे जी बाउंसेस बैक द सेकंड बुक, and Move On Bunny, which was the first book, है ना? इनमें से which has been your personal favorite? Finding Success Within. ठीक है. If we talk about cinema, the screens, the cinema we have just out there, the TV screens, big, all the OTTs and everything, and TV, when you turn on the TV, which is your favorite? Out there. Niche. Cinema. Right? The experience. Sir, day or night, which is your best time? Day. Day. Cricket, women's tournament you are enjoying more or men's? Men's. Men's. ठीक है. If we talk about addressing corporate people and addressing students, which gives you more kick? Students. Students. Right. Are you a mobile person or a book person? Book person. ठीक है. If you have to, how many hours do you spend on the mobile phone during the day? The whole day, but only to be communicative. And yep. Maybe 1 hour or half an hour I waste. Right. Blue, black or white? Out of the 3, your favorite color? Blue. He is also wearing blue behind the camera. Right. Sir, a car or a bicycle? Bicycle, I wish. So, do you prefer a sedan or a SUV? Sedan. Sedan. Without AC or with AC? I don't switch on the AC, but AC is required. Required, right. Like filming mein, we need AC. Sir, swimming, cycling, walking or jogging? Good one. Swimming. Swimming. But how often do you swim? Whenever I can. But walking every day. Sir, hills or the beach? Hills. Hills, yeah. And India or outside India? India. India. Chandigarh or Maharashtra? Chandigarh. आंसर मेरे बिल्कुल क्लियर है. क्लियर है. सो दिस इज द क्लैरिटी ऑफ थॉट. देखो मैंने बड़ी सारी चीजें सर से पूछी, आपने मुझसे कुछ पूछना है सर? वो जैसे ये होता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 15 इयर्स? मैं तो फिल्में ही बना रहा हूं. वेयर डू यू सी? नहीं, आई एम हियर ओनली, आई एम मेकिंग फिल्म्स ओनली. आई हैव मेड वर्थ लिविंग फॉर अ लॉट ऑफ टेक्नीशियंस, लॉट ऑफ एक्टर्स. जहां से किसी को बॉम्बे ना जाना पड़े, सबको यही दाल रोटी, इज्जत, मान सम्मान सर यही मिले. अगर वो मेरे थ्रू मिल सकता है, आई विल बी वेरी हैप्पी. जब मैं शहर से बाहर निकलूँ, मेरे बच्चों को लोग मिलें, हम सब एक दूसरे से मिलें, सब आंखें मिलाने जो गए हों, आंखें झुका के कोई ना मिले, मैंने कहीं किसी से कुछ नहीं. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड. डू यू एवर सी योरसेल्फ एज एन एक्टर इन अ लीड रोल? पता नहीं, कोई दोस्त फिल्म बनाएगा तो वो कर सकता है. किसी ने मेरे से बदला लेना होगा ना, तो वो जरूर लेगा. वो जरूर लेगा, क्योंकि वो कहेगा, देख जो तूने मेरे पर टॉर्चर किया ना, आज नया फिल्म बना रहा हूँ, एंड यू विल नॉट डायरेक्ट, यू विल जस्ट एक्ट. एक्ट मतलब यहाँ बैठो, ये करो, वो करो. वो तब को बदला लेने के लिए जरूर मैं सोचूंगा. उसमें मैं अपने फादर की तरह पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करूंगा आपकी फिल्म में. आईजी बनूंगा. पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे सर ऑन कैमरा? सर देखो मेरे पास स्क्रिप्ट है सर, मैं बन जाऊंगा. सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा मत देना रोल. पिक्चर तो सर फिर लोग यही तो पूछते हैं कि आप फिल्में कैसी बनाते हो. चलो देखेंगे फिर, पहले तो शुरू करते हैं. हाँ, मैं स्क्रीन प्ले दूंगा आपको, आप रीड करो, फिर आप बताना कि इफ दैट रोल एक्साइट्स यू, फिर हम करेंगे. और पूछो सर, मैं तो गेम ऑन हूँ. स्पोर्ट्स कौन से हैं आपके? I have only enjoyed playing बैडमिंटन, बिकॉज वो मैं थोड़ा सा एक्सेल कर पाया था. एंड क्रिकेट ऑफ कोर्स वो एज अ हॉबी मैंने चाइल्डहुड में खेली है. आफ्टर दैट आई वाज टू मच इनटू एकेडमिक्स, तो आई एक्चुअली गिव अप ऑन स्पोर्ट्स. बट जिमिंग हैज बीन माय जिमिंग लॉन्गेस्ट रनिंग. व्हिच म्यूजिक डू यू लाइक? इंस्ट्रूमेंटल स्कोर्स, बैकग्राउंड लाउंज म्यूजिक. एंड एक्चुअली बीइंग इन द प्रोफेशन तो मेरा हर टाइप का म्यूजिक ही. आई लाइक सोलफुल म्यूजिक मोर देन, बिकॉज मेरा फोकस म्यूजिक इन द मूवी से लेके ना बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग भी ज्यादा है. आई नीड म्यूजिक दैट बिल्ड्स माई मूड, दैट एलिवेट्स माई मूड, डिफरेंट मूड्स का म्यूजिक. हाउ डू यू मोटिवेट द यंगस्टर्स इन योर टीम? इन माई टीम आई मेक देम वर्क ऑन रिजल्ट. मैं उनको रिजल्ट देता हूँ और फिर मैं कहता हूँ ये अचीव करना है तो ये करना पड़ेगा. समटाइम्स स्मॉल अचीवेबल माइलस्टोन सर, एक बड़ी लार्जर पिक्चर देना ना बड़ा वो हो जाता है कि जैसे 10 साल बाद कहाँ होंगे. अरे हमें खुद नहीं पता था सर मैं 10 साल बाद कहाँ था. जो इंटरव्यूज में जॉब में पूछते हैं ना, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स, आई विल टेल यू
एवरी डे यू आर ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू चेंज यू. तीन चार साल बाद कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिली, देखो आई विल से समटाइम्स यू हैव टू बी सेल्फिश बिकॉज अगर आप अपनी फुटिंग पे नहीं खड़े हो पाओगे ना, आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाओगे. चैरिटी करने के लिए, वर्ल्ड को हेल्प करने के लिए आपके पास तो कुछ होना चाहिए ना. सही बात. आई कांट डू, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता. दो स्पीकर लगाने के लिए भी सर पैसे लगते हैं, एक रक्तदान कैंप लगाने के लिए भी पैसे लगते हैं, एक बुक लॉन्च करने के लिए भी एक वेन्यू बुक होता है, पी आर टीम आती है, कुर्सियां लगती हैं, मील लगता है, कोऑर्डिनेशन होती है, आपकी टीम भाग रही होती है. तो जस्ट इन ऑर्डर टू इवन सर्व पीपल फॉर फ्री, समबडी हैज टू वर्क एंड सम बिजनेस हैज टू हैपन, अदरवाइज वर्ल्ड विल नॉट बेनिफिट. आई टोटली एग्री. विवेक अत्रे सर के साथ हमें इतना टाइम मिला और इतनी सारी बातें करने को मिली. सर थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आरएफई अनप्लग्ड. आप बताओ कि आपको आज हमारे इस प्रोग्राम में आके कैसा लगा. मैं आपको सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये दूंगा कि आपकी कंपनी में मैं खुद अपने आप को अनप्लग्ड महसूस कर रहा था. जो आरएफई अनप्लग्ड है वो कामयाब है टू अनप्लग विवेक अत्रे. आई वॉज माई सेल्फ, आई वॉज नॉट गार्डेड. ब्यूरोक्रेसी में हम लोग गार्डेड होना सीख गए ना, एक लेयर बना रहे. जी वो लेयर हमने हटा दी. जी सर. आई वाज जस्ट मायसेल्फ एंड दैट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट. जी सर. एनी टिप फॉर आवर व्यूअर्स फ्रॉम फाइंडिंग सक्सेस. आई विल गिव यू टू. वन इज ऑलवेज बी इनोवेटिव. ये बाय चांस मुझे एक अवार्ड मिला हुआ है वहां पे इनोवेशन पे. इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव. नंबर टू, कामनेस हमने बहुत बोला, जितना शांत मन रख सकते उतना ही सक्सेसफुल हो गए. बिकॉज राइट डिसीजन मेकिंग, राइट रिस्पॉन्सेज, राइट एक्टिविटी कम्स फ्रॉम बींग अ काम पर्सन. वर्क ऑन दैट. वी हैव सम गुडीज फ्रॉम यू फ्रॉम आर स्पॉन्सर्स. दिस इज फ्रॉम एरोमा मस्क परफेक्टेड बाई नेचर फॉर विवेक अत्रे सर. थैंक यू सो मच. हैम्पर ऑन कमिंग, मतलब हैम्पर फॉर कमिंग ऑन द शो सर. योर हैम्पर इज मोस्ट वेलकम. थैंक यू वेरी मच. पीछे हमने छुपा के रखे थे. एंड देन वी हैव अनदर हैम्पर फ्रॉम एलेस्टोस dazzling trending jewels which say you are a rockstar. You are a rockstar. नहीं नहीं सर, ये आप you are a rockstar सर. So guys, बहुत अच्छा लगा कि आज आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और हमने सबने मिलके विवेक अत्रे सर का इतना experience, सर के when he was a part of the administration, tourism and Haryana government, जो सर के experiences रहे, his experiences with public speaking, his experiences with meeting so many people, mentoring so many people with cricket, his experience of receiving awards at the Public Relations Council of India conclave in 2021 in Goa, sir. Jo aap ek mazedar baat hai na, and so many things, and his experiences about life, writing books, that he's coming out with two books. He would like to play the role of a police inspector in our film. Inspector so, general. Inspector general in our film. ठीक है. और ढेर सारी बातें यूं ही चलती रहेंगी हमारे इस प्रोग्राम में. मैं और सर तो ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारी बातें करेंगे, पर अभी तक आपके लिए इतना ही. स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आरएफई अनप्लग्ड ऑन रोलिंग फिल्म्स एंटरटेनमेंट. दिस इज ओजस्वी शर्मा एंड विद मी आई हैव विवेक अत्रे. एंड कीप वॉचिंग अस ऑन रोलिंग फिल्म्स एंटरटेनमेंट. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड. आप देख रहे हैं आरएफई अनप्लग्ड रोलिंग फिल्म्स एंटरटेनमेंट पे.